सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में। और ये है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 83। सो चलिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी टॉक का अनदर एपिसोड। सो आदि पुरुष, जो कि हिंदी लैंग्वेज की माइथोलॉजिकल ड्रामा वाली फिल्म है, जिसको रिलीज करवाई जाने वाला है 16 जून से सिनेमाघरों में पेन इंडिया लेवल पर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। और इस मूवी के स्टार कास्ट में हम सभी को देखने को मिलेंगे रेवल स्टार प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन, सनी सिंह और देवदत्त नाग जैसे और भी अन्य कलाकार। सो फ्रेंड्स, इस मूवी को सेंसर करवा लिया गया है, जहां पर इस मूवी को यू का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस मूवी का रन टाइम निकल कर आया है 2 घंटे 59 मिनट का। जी हां फ्रेंड्स, ये मूवी करीब पूरे 3 घंटे की मूवी होने वाली है, जिसको सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा 16 जून से हिंदी के साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में भी। फहद फासिल की आने वाली फिल्म धूमम, इस मूवी का ट्रेलर आउट हो चुका है, जहां पर इस मूवी के ट्रेलर को मलयालम के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में भी रिलीज किया है। और फ्रेंड्स, इस मूवी के ट्रेलर के साथ ही इस मूवी की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया। इस मूवी को 23 जून से रिलीज करवाया जाएगा सिनेमाघरों में 5 लैंग्वेजेस में। भगवंत केसरी, जिसके टाइटल को भी हाल ही में अनाउंस किया गया, और ये तेलुगु लैंग्वेज की अपकमिंग एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है, जिसके टीजर को रिलीज करवाया जाने वाला है 10 जून को सुबह 10:19 पर। और इस मूवी के टीजर को 108 थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। और फ्रेंड्स, इस मूवी के टीजर का रन टाइम निकल कर आया है 1:20 का। और इस मूवी के टीजर का सेंसर भी कंप्लीट हो चुका है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल रविपुड़ी ने। और इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है एस थमन ने। और फ्रेंड्स, मूवी के स्टार कास्ट में हम सभी को देखने को मिलेंगे नंदमुरी बालकृष्णा, काजल अग्रवाल, श्रीलीला और साथ में अर्जुन रामपाल। और इस मूवी को दशहरा 2023 में रिलीज करवाया जाएगा सिनेमाघरों में तेलुगु लैंग्वेज में। और द वैक्सीन बॉर्ड, जो की एक मेडिकल थ्रिलर वाली फिल्म है, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री और प्रोड्यूस कर रहे हैं अभिषेक अग्रवाल। और इस मूवी के कास्टिंग में हम सभी को देखने को मिलेंगे अनुपम खेर, नाना पाटेकर और सप्तमी गौड़ा जैसे और भी अन्य कलाकार। इस मूवी को रिलीज करवाया जाने वाला था पहले तो साल 2023 में इंडिपेंडेंस वीकेंड पर, लेकिन फ्रेंड्स अब अपडेट आई है कि इस मूवी को शिफ्ट किया जा रहा है। और इस मूवी को इंडिपेंडेंस वीकेंड पर रिलीज ना करते हुए इस मूवी को साल 2023 में दशहरा पर रिलीज किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस मूवी को जो है पूरी 11 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जहां पर ये मूवी जो है हिंदी के साथ इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, पंजाबी और भोजपुरी भाषा में जो है देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। और अब बात करते हैं आने वाली और भी कुछ बड़ी फिल्मों के बारे में। सो अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म OMG 2, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित राय, तो फ्रेंड्स इस मूवी से लेकर अपडेट है कि इस मूवी की रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, जहां पर इस मूवी को 11 अगस्त 2023 की रिलीज डेट दी गई है। और फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्टिंग में हम सभी को देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, पंकज तिवारी और साथ में यामी गौतम। और फ्रेंड्स, ओ माई गॉड 2 मूवी की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के बाद जो काफी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि एनिमल, जिस मूवी को रिलीज करवाया जाने वाला है 11 अगस्त 2023 में, तो वो जो मूवी है वो पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, एनिमल मूवी जो है पोस्टपोन नहीं होने वाली है। संदीप रेड्डी बांगा डायरेक्टेड ये मूवी जो है 11 अगस्त 2023 में ही देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्टिंग में हम सभी को देखने को मिलेंगे रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, शरद सक्सेना और सौरभ शुक्ला जैसे और भी अन्य कलाकार। और ये हिंदी लैंग्वेज की ड्रामा क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसके टीजर को भी जो है जल्दी रिलीज करवाई जाने वाला है। और इस मूवी के टीजर का सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुका है, और इस मूवी जो टीजर है वो निकल कर आ रहा है 1:35 का। और फ्रेंड्स, इस मूवी का टीजर भी आपको जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। और OMG 2 और एनिमल मूवी के साथ ही जो है एक और बड़ी फिल्म जो है 11 अगस्त को ही देखने को मिलने वाली, जिस मूवी का नाम है गदर 2। तो फ्रेंड्स, गदर 2 जो कि अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड रोल में हम सभी को देखने को मिलेंगे सनी देओल और अमीषा पटेल। इस मूवी की भी जो रिलीज डेट है वो है 11 अगस्त 2023 की। इस मूवी को भी 11 अगस्त 2023 में रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। और गदर 2 मूवी के भी 55 सेकंड के टीजर का सेंसर सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इस मूवी का भी जो टीजर है वो भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। और गदर 2 मूवी से लेकर ही अपडेट आई है कि इस मूवी जो स्टोरी होने वाली है वो सेट होने वाली है लाहौर में, जहां पर लाहौर में 1971 की स्टोरी को बताया जाएगा। और गदर 2 में जो स्टोरी वहीं से शुरू की जाएगी, जहां से गदर पार्ट 1 में स्टोरी को एंड किया गया था। और इस मूवी में आपको आगे की कहानी जो देखने को मिलेगी। सो इस बार 11 अगस्त 2023 में जो 3 बड़ी हिंदी फिल्मों का क्लेश देखने को मिलने वाला है, जिसमें शामिल है एनिमल, गदर 2 और OMG 2। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी ज्यादा एक्साइटेड हो। अच्छा, तो फ्रेंड्स यही थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।